गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 9 चल रहा है लघुतम समापवर्त्य, जिसमें हमने कल एक्सरसाइज 9.1 इसका प्रश्न 1 किया था। ठीक है, आज हम करेंगे प्रश्न 2 अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न 1 क्या था, अपवर्त्य लिखकर नीचे लिखी संख्याओं के लघुतम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। अपवर्त्य यानी उसके गुणज लिखे थे हमने। प्रश्न 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से नीचे लिखी संख्याओं के लघुतम समापवर्त्य निकालिए। इसमें जैसे हमने महत्तम समापवर्त्य में अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, इसी तरह से हमें इसके निकालने हैं। देखिए प्रश्न क है, इसमें 4 और 6, तो 4 का और 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2, और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3, क्या हुए, 2 गुणा 3। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये जोड़ा, ये बना कॉमन जो आया, इसमें क्या होता है, लघुतम समापवर्त्य में क्या करते हैं, 4 व 6 का लघुतम समापवर्त्य क्या होता है, तो 2 तो हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में समान आ गया, बाकी इसमें जो 2 और 3 बचे उनको भी लिखेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, महत्तम समापवर्त्य में तो क्या था, बस जो समान आया हमने वो लिखा, लघुतम समापवर्त्य में जो समान आया उसको तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी लिखना होगा। अब ये क्या आया, 2 दूनी 4 और 4 तीय 12, क्या यानी 4 और 6 का लघुतम समापवर्त्य क्या हुआ, 12। ठीक है, इसी तरह से और भी आप देखिए, समान मतलब जो आ जाए वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है उसको भी लिखना होगा। जैसे इसमें प्रश्न ख में क्या है, 5 और 10, तो 5 का गुणनखंड लिखिए, 10 के गुणनखंड लिखिए, 5 का तो 5 एकम 5 इतना ही होगा, 10 का 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी 5 के गुणनखंड क्या हुए, 5। ठीक है, 1 ही हुआ, मतलब 5 गुणा 1 लिख सकते हैं आप। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5, क्या होगा, 2 गुणा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 5। अब देखिए इसमें समान क्या आ रहा है, बस ये 5 आ रहा है, यानी 5 व 10 के लघुतम समापवर्त्य क्या होगा, होगा क्या, 2 गुणा 5, यानी क्या हुआ, 10। क्या हुआ इसका लघुतम समापवर्त्य, 10 हुआ। फिर देखिए प्रश्न ग घ, ये इसी तरह से होंगे और देख लेते हैं। देखिए इसमें हम करते हैं प्रश्न 6 करते हैं। देखिए प्रश्न 6 में क्या है, 96 और 124, तो 96 के गुणनखंड निकालेंगे और 124 के गुणनखंड निकालेंगे। 96 के गुणनखंड देखिए, 2 से पहले करेंगे हम, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेक 12, 2 तीय 6 और 3 एकम 3। जब तक 2 से भाग जा सकता है तब तक दीजिए, फिर आगे बढ़िए। इसी तरह से इसमें भी देखिए, 2 से जा रहा है, 2 छेक 12, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 एकम 2, और ये 31 का किसी से भी नहीं जाता है, तो हम 31 को, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है 31, तो ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो 96 के गुणनखंड क्या हुए, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए। और 124 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 31। अब देखिए इनमें समान क्या आया, ये आया,
तो हम इसके 96 व 124 के का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, वो होगा 2 × 2। ये तो एक जो समान आए हैं उसको तो एक बार ही लिखेंगे, बाकी जो बचे हैं वो भी हमें लिखने हैं। तो ये तो हमने लिख लिए, बाकी बचा क्या, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, फिर 3 लिखा और फिर 31। अब इनको आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे तो देखें क्या आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। अब 32 तो ये हो गए और ये 3 और 31, इनको हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 32 को हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 96 आ गया, यानी 96 को हम 31 से गुणा करेंगे। अब देखिए 96 को हम 31 से गुणा करते हैं, 31 से गुणा कर रहे हैं, 6, 9, 6 × 3 = 18 का 8 × 1 = 9, 27 और 1 = 28, यानी 6, 8 × 8 = 16, 17 का 7 × 1 = 9 और 2, यानी 2976 ये इसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करने होंगे। तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न क, ख और छ मैंने आपको करवा दिया है और यही मेथड है आपका करने का तरीका। अब बाकी जो क्वेश्चन प्रश्न 2 के हैं ये अब आपको करने हैं। इसमें देखिए प्रश्न 2 में ड ड त, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके 3 संख्याओं के हैं, 3 संख्या वाले हैं, इनको चलिए मैं कल करवा दूंगी। बाकी जो आपके ड तक ये प्रश्न हैं जो अब आपको स्वयं करने हैं, बाकी ये ड ड त जो है 3 लास्ट के हैं प्रश्न 2 में, ये मैं अभी कल जब प्रश्न 3 कराऊंगी उसको कराऊंगी तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे तरीका आपका उसमें भी यही है, तीनों संख्याओं का निकालिए, तीनों में से कॉमन जो होंगे समान होंगे उनको एक बार लिखना है और बाकी को एक एक बार लिखना ही है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है 2 question 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इन नोटबुक, आपको ये नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।